मूवी की स्टार्टिंग में हम लोग रॉब और पिया नाम के एक कपल को देखते हैं जो कि अपना वीकेंड सेलिब्रेट करने के लिए एक डॉकयार्ड पे आते हैं और वहां से एक बोट को किराए पर लेते हैं। अब ये लोग वहां से उस बोट को लेकर निकल गए थे और उनको पता भी नहीं पड़ा था कि वो एक सुनसान जगह पर आ गए हैं। इसका मतलब वो लोग अब भटक चुके थे। उनकी जो बोट थी दोस्तों, इनकी किस्मत इतनी खराब होती है कि वो बोट जो थी वो भी खराब हो जाती है, जिसको रॉब अपने हाथों से खींच कर ले जाता है। अब ये लोग थोड़ी सी आगे और चलते हैं जंगल की तरफ तो इनको एक रोशनी आती देखती है जो कि बहुत तेज होती है, और वो रोशनी एक कार से आ रही थी। ये लोग उसके पास जाते हैं और उनसे हेल्प करने की कोशिश करते हैं, पर पिया कहती है पहले हमें इन्हें देख लेना चाहिए ये लोग क्या कर रहे हैं। और लकीली दोस्तों इनका डिसीजन एकदम सही था, क्योंकि वो जो लोग थे जिनको देख रहे थे वो एक आदमी को बुरी तरह से टॉर्चर कर रहे थे। अब हम लोग देखते हैं कि ये लोग एक घर के पास आते हैं जहाँ से रोशनी निकल रही थी, जिसकी तरफ ये लोग अट्रैक्ट हो रहे थे। अब ये लोग उस घर के अंदर जाते हैं और वहां से हेल्प के लिए बुलाते हैं, पर उस घर से कोई भी नहीं निकलता। तो रॉब घर की बैक साइड से उस घर के अंदर जाता है और अंदर से उस गेट को खोलता है। वो पिया से कहता है कि हमें अंदर आना चाहिए, पर पिया कहती है कि गलत है क्योंकि हम किसी के घर में ऐसे नहीं घुस सकते। दोस्तों पिया रॉब की बात को नहीं मानती है, पर दोस्तों रॉब भी कहां मानने वाला था, वो उसकी गर्लफ्रेंड थी। वो उसको किसी तरह से कन्विंस कर लेता है अंदर चलने के लिए। फाइनली दोस्तों ये लोग वहां पर अंदर चले जाते हैं और लाइट की तलाश करते हैं ताकि वो इस घर में लाइट ढूंढ सके। अब ये लोग अभी भी इस घर में लाइट ढूंढ ही रहे होते हैं, तभी यहाँ पर जो रॉब होता है वो एक रूम में जाता है जहाँ पर उसे दिखता है जिस घर में वो रुका है उस घर के ओनर ने उसके रूम में एक वीड का फार्म बना रखा है। वीड माने गांजा, इसका मतलब घर का ओनर गंजेड़ी था। अब दोस्तों यहाँ पर जो पिया होती है उसको इस घर का ओनर आता हुआ देख जाता है, तो वो अब जाकर रॉब को बताती है कि ओनर आ चुका है। ये लोग वहाँ से भागते हैं, पर देखते हैं कि इस घर का जो ओनर है वो इनके ऊपर गन तान के खड़ा हो गया है। अब वो इनको मारने वाले था। अब यहाँ पर जो रॉब आता है वो बाहर आता है पिया को अपने पीछे खड़ा करके, और उनको सारी सिचुएशन के बारे में बताता है कि उनकी जो बोट थी वो यहाँ पर फंस गई थी और उनको नहीं पता कि ये लोग कहाँ पर है। अब दोस्तों इस घर का जो ओनर होता है वो इन लोगों को बताता है कि वो लोग फ्रेंच आइलैंड पर हैं और अब इनको निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है। यहाँ पर वो लोग बताता है, यानी कि रॉब उन लोगों से कहता है कि अगर आप हमको छोड़ देंगे हम आपसे माफी मांगते हैं और एक होटल में जाकर रह लेंगे। तब यहाँ पर घर का ओनर उनको बताता है कि यहाँ पर 20 मील तक कोई भी होटल नहीं है। अब यहाँ पर ये लोग उनको अंदर जाने की परमिशन दे देते हैं और घर का जो ओनर आता है उन लोगों को एक कंगारू का बच्चा दिखाता है। यहाँ पर ये लोग एक आदमी को लाते जो कि ड्रंक था, जो कि सीरियसली उन लोगों का फादर था। अब यहाँ पर एक लड़का आता है और वो पिया से कहता है कि तुम लोग अब नहा सकते हो क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए पानी गर्म कर दिया है, पर पिया दोस्तों उससे मना कर देती है और कहती है कि हम नहीं नहा सकते क्योंकि हम लोग तुम्हें और परेशान नहीं करना चाहते। उनमें से एक आदमी उनसे कह देता है कि अब तुम हमारे मेहमान हो तो इसमें परेशानी क्या। ये लोग नहा ही रहे होते हैं और ये लोग दोस्तों बातें कर रहे हैं इस घर के ओनर्स के बारे में कि वो लोग कैसे थे, तभी पीछे से एक आदमी आता है और उनकी बातों को सुन रहा होता है चुपके से। अब यहाँ से पिया रॉब से मना करती है कि ये सब गलत है, हम लोग यहाँ पर नहीं रह सकते ऐसे लोगों के साथ। अभी रॉब दोस्तों पिया से कहता है हम जब भी यहाँ से निकलेंगे हम इन लोगों की कंप्लेंट पुलिस में करेंगे क्योंकि इन्होंने इलीगल तौर पर घर में भीड़ उगा रखी थी। इनमें से एक लड़का इनकी बातें सुन लेता है और उनके कपड़ों को लेकर छुपा देता है। यहाँ पर हम एक ओनर को देखते हैं जो कि खाना बना रहा था, उससे खाना जल गया था और उसका हाथ भी जल गया था, तो वो गुस्से में आकर खाने को फेंक देता है। अब हम लोग देखते हैं कि रॉब जैसे बाहर आता है वो देखता है कि उसके कपड़े वहाँ से गायब हैं, तो उन घर के ओनर से वो पूछता है कि हमारे कपड़े कहाँ पे हैं। पर घर के ओनर फिर उससे धमकाते हुए कहते हैं कि एक तो तुम हमारे घर में जबरदस्ती घुस आए और अब तुम हमसे हमारे कपड़े भी मांग रहे हो, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुम एक गलत जगह पर फंस गई हो। रॉब उनसे कहता है कि मैं तुम्हारे फादर से मिलना चाहता हूँ और तुम्हें उन्हें उठाना चाहिए, तो वो लोग उसे मना कर देते हैं और कहते हैं कि हम उनको नहीं उठाएंगे। दोस्तों यहाँ पर जो घर का ओनर होता है वो रॉब को ये भी बताता है कि हमने तुम्हारी बातें सुन ली थी क्योंकि तुम हमारी कंप्लेंट करना चाहते थे। तो रॉब वहाँ से चला जाता है और जाकर पिया को सारी बातें बताता है। उन हाउस के ओनर्स ने उनको अंदर बुलाया था, वो लोग उनके ऊपर इंटेरोगेशन करने लगे थे, यानी कि वो लोग उनको इंटेरोगेट कर रहे थे। वो लोग रॉब से कहते हैं बियर सर्व करने के लिए, पर रॉब जब उनको सर्व करता है तो वो लोग उसको पनिश करने लगते हैं, उसके प्राइवेट पार्ट्स पे हमला करते हैं। वो लोग पिया से भी कहते हैं फूड कुक करने के लिए अपने लिए, पर पिया जब फूड कुक करते हैं तो वो उससे जल जाता है, तो वो लोग उसे न्यूड होने के लिए कहते हैं एज ए पनिशमेंट। पर रॉब इन बातों को नहीं मानता, उन लोगों के ऊपर हमला कर देता है। इसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि उस हाउस का जो ओनर था वो अब एक एक्सट्रीम चीज करने वाला था, जो कि ये थी कि वो उस लड़की से यानी कि पिया से अपने साथ इंटीमेट होने के लिए बोलता है एज अ पनिशमेंट, क्योंकि उसने उसका खाना जला दिया था। पर दोस्तों पिया इस चीज के लिए इनकार कर रही थी, पर वो भी नहीं चाहता था कि वो कोई जोर जबरदस्ती करे, तो वो अपना चाकू निकालकर पिया को पकड़ाता और कहता है कि जो कंगारू का बच्चा मिलाया था तुम्हें उसे मारकर हमारे लिए खाना बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पर दोस्तों पिया रोने लगी थी क्योंकि वो पहली बार ऐसी चीजों को करने वाली थी और जिसमें उसका मन भी नहीं था ये सब करने का, पर वो लोग उससे जबरदस्ती करते हैं। वो लोग रॉब को भी मारते हैं, पर पिया को जबरदस्ती फिर ये काम करना होता है और वो उस कंगारू के बच्चे को मार देती है और उन सब लोगों के लिए खाना बनाती है उससे। यार सीरियसली ये लोग इतने बुरे थे कि कंगारू के बच्चे को कौन मारेगा और कौन उसका मांस खाएगा, पर ये लोग मेरे को लगता था कि पागल थे। अब ये लोग दोस्तों खाना खा रहे होते हैं, डिनर टेबल पे बैठे होते हैं, जिसके बाद ये लोग खाना खाने के बाद पिया और रॉब को एक आउट हाउस में बंद कर देते हैं। अब ये लोग दोस्तों
इन लोगों को अच्छी तरह से बंद करते हैं और बाहर से भी रूम को लॉक कर देते हैं। अब यहाँ पर जो पिया और रॉब होते हैं, ये लोग किसी तरह से अपने आप को खोल लेते हैं। अब इन लोगों को ये दोनों मारने का प्लान बनाते हैं और यहाँ से भागने का। पर इन लोगों को मारने का प्लान बनाने से पहले ये दोनों अपने लिए भागने का कोई जुगाड़ देखते हैं और वहाँ से फाइनली भाग जाते हैं। अब ये लोग भाग रहे होते हैं तब इन लोगों को एक लाश मिलती है जो कि उस आदमी की थी जिनको ये इस मूवी की स्टार्टिंग में इंटरोगेट कर रहे थे जब यहाँ पर मूवी की स्टार्टिंग हुई थी। अब ये लोग दोस्तों उस लाश को देखकर बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं और उल्टे पैर वहाँ से भागने लगते हैं। पर तभी दोस्तों वहाँ पर एक कार आ जाती है जो कि उन्हीं हाउस कीपर्स की थी। अब वो लोग इन दोनों को फिर से पकड़ लेते हैं और उस रूम में फिर से लॉक कर देते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि उस घर का एक ओनर आता है और वो पिया को ड्रिंक करने के लिए बोल रहा होता है, पर रॉब इस बात से इनकार करता है। रॉब उनके ऊपर हमला करने की कोशिश भी करता है पर उनका एक ब्रदर रॉब के ऊपर उल्टा हमला कर देता है, उसके ऊपर गन चलाता है, पर किसी तरह से रॉब बच जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि वो लोग फिर से उसके साथ कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ इंटीमेट होंगे यानी कि तुम्हारा रेप करेंगे हम। पर रॉब दोस्तों फिर से उनके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है पर अनफॉर्चुनेटली वो इस बार भी चूक जाता है और उनका सा एक ब्रदर रॉब के पैर पे हमला कर देता है, उसे बेहोश कर देता है। ये लोग उनका रेप करने वाले होते हैं इनकी पिया का, पर तभी इनका जो ड्रंक फादर था वो आ जाता है और इन दोनों के ऊपर हमला करके उन लोगों को समझाता है। पर इनका जो ब्रदर था वो अपने फादर को सारे सिचुएशन के बारे में बताता है। अब ये लोग कहते हैं अपने उनके फादर से कि हमें यहाँ से बचा लीजिए, पर उनका फादर कहता है कि मैं तुम लोगों से बाद में निपटूंगा। अब उनका फादर अपने बच्चों को लेकर दोस्तों वहाँ से चला जाता है और हम लोग देखते हैं फिर इस घर का जो फादर था वो इन लोगों से कहता है कि मैं तुम्हारी बाद में सुनवाई करूँगा, क्योंकि वो लोग उनको बता रहा था कि मैं एक जज था और तुम्हारा फैसला भी मैं ही करूँगा। अब हम लोग देखते हैं कि ये फादर जो होता है उनका, वो उस आउट हाउस का लॉक लगा देता है अच्छी तरह से और अपने बेटे को इतनी बुरी तरह से मारता है और उनसे कहता है कि वो लोग वहाँ से भागे कैसे, अगर तुम लोगों ने उनको पकड़ा था तो वो भाग कैसे पाए वहाँ से, तुमने उनसे अच्छी तरह से लॉक क्यों नहीं करा। अब हम लोग यहाँ से सीन चेंज होता है, हम लोग पिया और रॉब को देखते हैं। वो लोग वहाँ पर एक फंदा बनाते हैं उनमें से उन लोगों को मारने के लिए। यहाँ पर रॉब की वाइफ पिया एक आदमी को आते हुए देख लेती है तो वो फिर से सोने की एक्टिंग करती है। वो यहाँ पर रॉब को किसी तरह से उठा लेती है जो कि बेहोश हो चुका था और वो उसे बताती है कि मैं एक उन लोगों के लिए एक फांसी का फंदा बना रही हूँ जिससे कि वो लोग मर जाएंगे और हम लोग यहाँ से सुरक्षित भाग पाएंगे। अब दोस्तों सक्सेसफुली जो इनका पिंजरा था यानी कि वो फंदा था वो सक्सेसफुली बन चुका था। अब इन लोगों को बस इंतज़ार था तो उनमें से किसी एक काने का जो कि इस फंदे में मर सके और ये लोग वहाँ से भाग सके। अब इनका जो फादर होता है अपने एक बेटे से कहता है कि उन लोगों को चेक करके आओ, तो यहाँ पर पिया उनमें से एक की आवाज़ सुन लेती है और वहाँ पे वो एक्टिंग करने लगती है सोने की। पर उनमें से एक लड़का जो होता है वो अंदर आता है और पिया से बातें करता है। वो पिया से कहती है कि तुम्हारा जो भाई है वो तुम्हारे को लोगों को फंसा रहा है और यहाँ पे तुम्हारी वो नहीं चलने देता, इसका मतलब कि इस घर का जो मेन है आप तुम्हारे फादर के मरने के बाद मेन लीडर वो बनेगा। वो उसके भाई को भड़का रही होती है पर उसका भाई भी उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता, वो उसके ऊपर फिर से रेप करने की कोशिश करता है। तो हम लोग देखते हैं कि जो रॉब होता है वो उस लड़के के ऊपर हमला कर देता है और फाइनली उनमें से एक लड़का उस फंदे में फंस जाता है जिसके ऑन द स्पॉट ही डेथ हो जाती है। पर अपने एगो को सेटिस्फाई करने के लिए वहाँ पर जो पिया होती है वो उसके ऊपर गन से भी हमला कर देती है जिससे कि वो लड़का जो होता है वो प्रॉपरली मर जाता है। अब उस लड़के को दोस्तों इतनी भड़ास थी तो वो उसको नीचे उतार के उसके ऊपर कुल्हाड़ी से हमला कर देती है। अब यहाँ पर दोस्तों बहुत देर हो जाती है, वो लड़का अपने घर वापस नहीं गया था तो उनमें से एक और लड़का फिर से उस रूम की तरफ जाता है और देखता है कि उनका भाई वहाँ पर नहीं है। वो ये सारी सिचुएशन अपने फादर को बताता है और उसका फादर उससे उन लोगों को फिर से चेक करने के लिए बोलता है। जो वो लड़का आता है वो उस लड़के से कह ही रहा होता है कि तुम्हारा हस्बैंड तो बेहोश है क्यों ना तुम मेरे साथ इंटीमेट हो। वो उस लड़की के साथ दोस्तों इंटीमेट होने ही वाला था हो रहा होता है तभी वो अपने ब्रदर की डेड बॉडी को देख लेता है जो कि उस पिंजरे के नीचे पड़ी हुई थी। अब उसको शक हो जाता है कि ये डेड बॉडी किसकी है, तो वो उसे चेक करता है तो उसे पता पड़ता है कि वो जो लाश पड़ी थी वो उसके ही भाई की थी। अब पिया यहाँ से दोस्तों उसके ऊपर हमला करने वाली थी पर इससे पहले वो भागने की कोशिश करती है तो वो लड़का वहाँ पर गोली मार के गेट पर गोली मार देता है जिससे वो लड़की रुक जाती है और वो उस लड़के को पकड़ के अपने फादर के पास ले जाता है। उस लड़के का फादर पिया के साथ रेप करने की कोशिश करता है पर किसी तरह से वो जो पिया होती है वो एक जाल बनाती है और उसके फादर के प्राइवेट पार्ट को एक बोतल में फंसा देती है जिससे कि कारण वो उसका फादर था जो दर्द के कारण जूझ रहा था जिससे कि पिया वहाँ से भाग जाती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि उस हाउस का जो फादर होता है वो अपने बेटे से कहता है उस लड़की को पकड़ने के लिए यानी कि पिया को। पिया वहाँ से भाग चुकी होती है, वो उस आउट हाउस में जाती है रॉब की हेल्प करने के लिए। वो लड़का उसके ऊपर गन पॉइंट करता है
पर जैसे वो उस कबर्ड को खोलता है तो उसके ब्रदर की लाश उसके ऊपर गिर जाती है और पिया उसके ऊपर हमला कर देती है, उसे बेहोश कर देती है। इसके बाद हम देखते हैं पिया रॉब को लेकर कार में बैठती है, पर उसको कार की चाबियां नहीं मिलती तो वो घर के अंदर फिर से जाती है चाबियों को ढूंढने के लिए। अब फाइनली उसको चाबी तो मिल चुकी थी, पर उस घर का जो फादर था वो उसके पीछे आ जाता है, जिसका प्राइवेट पार्ट वो उस बोतल में से निकाल चुका था। अब दोस्तों वो पिया के ऊपर हमला करता है, पर पिया किसी तरह से उसके जो प्राइवेट पार्ट होती है उसके ऊपर हमला कर देती है, जिससे कि वो कट जाता है। अब हम देखते हैं कि उसका जो डॉग था वो पिया के पास आता है, पर वो पिया से कुछ नहीं कहता, इसके बजाय वो उस फादर पर ही हमला कर देता है क्योंकि उसके प्राइवेट पार्ट से खून निकल रहा था। अब दोस्तों यहाँ पर जो वो लड़का होता है उस घर का हाउसकीपर, वो वहाँ पर आता है और अपने फादर की लाश को देखकर वो बुरी तरह से परेशान हो जाता है और वो उस कुत्ते को वहाँ से भगाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि पिया तो गाड़ी में बैठ चुकी थी, वो कार को स्टार्ट करती है। हम यहाँ पर उस लड़के को देखते हैं जो अपनी एक मॉडिफाइड कार लाता है, पर उस कार में उसके ब्रदर की लाश अटकी पड़ी थी, जिससे कि वो कार वहीं पर रुक जाती है। अब पिया अपनी कार से उसके ऊपर हमला करती है, जिससे कि वो लड़का था वो उस मॉडिफाइड कार के पंखे से ही कट के मर जाता है। अब फाइनली ये दोनों बच चुके थे और कार को लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। तो मूवी यहीं पर एंड होती है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्यूचर अपडेट्स के लिए और नई वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।